इधर पश्चिम बंगाल में बीजेपी अपनी परिवर्तन यात्रा के लिए पूरी तैयारी कर चुकी है और इस यात्रा के लिए अमित शाह और योगी आदित्यनाथ भी बंगाल दौरे पर जाएंगे। विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी पश्चिम बंगाल के कई जिलों में परिवर्तन यात्रा निकालेगी। इस परिवर्तन यात्रा में अमित शाह और योगी आदित्यनाथ भी हिस्सा लेंगे। अमित शाह 11 फरवरी को कूच बिहार में परिवर्तन यात्रा में शामिल होंगे। ठाकुर नगर में मतुआ समुदाय की रैली को भी संबोधित करेंगे अमित शाह। सीएम योगी आदित्यनाथ भी रथ यात्रा में शामिल होंगे। 13 फरवरी को किरनाहर में रथ यात्रा में शामिल होंगे सीएम योगी। पार्टी ने हर बड़े नेताओं को बंगाल के अलग अलग जिलों की जिम्मेदारी दी है। हालांकि सत्ताधारी पार्टी बंगाल में इस रथ यात्रा को रोकने के लिए पूरी कोशिश कर रही है। एक तरफ बंगाल में बीजेपी ममता बनर्जी सरकार को उखाड़ फेंकने में पूरी ताकत लगा रखी है, तो वहीं दूसरी तरफ ममता बनर्जी सत्ता पर कब्जा बरकरार रखना चाहती हैं। टीएमसी भी पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुट गई है। इसे लेकर टीएमसी के नेता आज वर्धमान जिले के कृषि फार्म मैदान में 8वें माटी उत्सव का उद्घाटन करेंगे। पार्टी इसकी तैयारियों में जोर शोर से लगी हुई है। सीएम ममता बनर्जी आज दोपहर 12 बजे वर्धमान के कालना में एक जनसभा को संबोधित करेंगी। उसके बाद 2 बजे माटी उत्सव का उद्घाटन करेंगी। सीएम इस दौरान और कई परियोजनाओं का उद्घाटन भी करेंगी। कृषि परिसर में कृषि सहायक उपकरण प्रशिक्षण केंद्र और हॉस्टल का उद्घाटन करेंगी। कार्यक्रम से पहले टीएमसी के नेता स्वप्न देवनाथ ने वर्धमान के स्थानीय नेताओं के साथ एक बैठक कर तैयारियों का जायजा लिया। और बिहार में लंबे इंतजार के बाद आज नीतीश कुमार की कैबिनेट का आखिरकार विस्तार होगा। ये कैबिनेट विस्तार दोपहर 12:30 बजे होगा। बिहार में नीतीश कुमार के मंत्रिमंडल विस्तार में हो रही देरी को लेकर जो विवाद छिड़ा था, आज उस पर विराम लग जाएगा और बिहार में नीतीश कैबिनेट का पहला विस्तार होगा। दोपहर 12:30 बजे आज कैबिनेट विस्तार होगा। बताया जा रहा है कि आज 20 मंत्री शपथ ले सकते हैं। नीतीश कैबिनेट में 22 मंत्रियों की जगह खाली है। बीजेपी की ओर से 9 मंत्री बनाए जा सकते हैं। कैबिनेट में 11 मंत्री जेडीयू की ओर से शपथ ले सकते हैं। अभी बिहार में नीतीश सरकार के कैबिनेट में सीएम सहित 14 मंत्री हैं, जबकि 22 मंत्रियों की जगह खाली है। दरअसल बिहार में 19 फरवरी को बजट सत्र है, उससे पहले बीजेपी जेडीयू मंत्रिमंडल विस्तार चाहती है। हरियाणा के कुरुक्षेत्र में आज किसानों की महापंचायत है। किसान नेता राकेश टिकैत समेत कई राज्यों के किसान नेता इसमें शामिल होंगे। कुरुक्षेत्र के पिहोवा में होने वाली किसान महापंचायत में भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत और बलवीर सिंह राजवाला सहित पंजाब के कई किसान नेता और खाप पंचायतों के प्रतिनिधि शामिल हो रहे हैं। ये महापंचायत गुमथला गढ़ू के अनाज मंडी में 10:30 बजे से शुरू होगी। इसमें आसपास के 60 गांवों के किसानों को बुलाया गया है। कुरुक्षेत्र में 2 जगह गांव थाना और सैनी माजरा टोल पर किसानों का धरना प्रदर्शन चल रहा है। आंदोलन की शुरुआत से ही किसान इन दोनों जगहों पर डटे बैठे हैं। अब बड़े नेता महापंचायत के जरिए इन किसानों में उत्साह भरने के साथ साथ आंदोलन की आगामी रणनीति पर भी चर्चा करेंगे। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।